रिक्लाइनर है सीटें। तो वही एयर शो 21 दो बजे शुरू होगा, 5 बजे ख़त्म। आज आखिरी दिन है, अपना रजिस्टर करें, अपना पासपोर्ट आईडी, एमरेट्स आईडी, पासपोर्ट, वीज़ा सब डालें, यूआईडी नंबर, ईमेल आ जाएगी, आप इधर काउंटर पे आके स्कैन करें, आपका ऐसा निकलेगा और उसको फिर आप अपना पैक करके पहने और बस। ऐसा है, हमारे बंदे किधर गायब हो गए हैं। इंडिया ने जो स्टार लगाया हुआ है अपने मिसाइल, ये इंडिया के मिसाइल हैं, ये देखें। ये चेक करें, मिसाइल है, टैंक हैं, ये दो बंदे बैठे हैं, F-16। ओहो, ये पूरा इनका यूनिफॉर्म है, ये जहाज है, ये दो जहाज लगाए हुए इधर। ये अंदर सब के स्टॉल लगे हैं, सब मुल्कों के, उन्होंने अपनी डिफेंस शो की हुई है। तो आपने अगर कुछ गवर्नमेंट लेवल पे कुछ जगह बाय करना है तो करके सकते हैं। हाई टेक्नोलॉजी के ड्रोन लगे हैं, जहाज़ फाइटर और वेपन, और ये देखें FA लगे सब, माशाल्लाह। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, ये देखें कैमरे और पूरी ग्लव्स और फौज की पूरा यूनिफॉर्म। ये देखें ये पूरे मिसाइलों का और लाइफ जैकेट, है बहुत बड़ा। अभी मेन शो तो बाहर है, वो आपका इंशाल्लाह शुरू होगा 2 बजे। सऊदी अरेबिया, ये एमिरेट्स का है, सीटें लगाई हुई हैं, वहाँ पे एक क्लास लगाया हुआ है, आप बैठ के एक्सपीरियंस कर सकते हैं कैसा है। ये इकोनॉमी नॉर्मल, राइड करने के लिए भी बैठे हैं। ये उसका इंजन और अंदर ही माशाल्लाह। ये इतिहाद का भी है, इतिहाद और एमिरेट्स साथ साथ हैं। अंदर बड़ी घूमने की जगह, ये आ गया। ये देखें समुंदर के ऊपर चल के उसके ऊपर आप लैंडिंग कर सकते हैं। ये पूरा कॉफी शॉप भी है। ये हम पाकिस्तानी पवेलियन में पहुंच चुके हैं। भाई वाह,
ये बच्ची नहीं थी उसने, लेकिन दूसरी बच्ची थी, इससे भी खतरनाक कपड़े पहने थे। ये सिग्नल सिग्नल अंदर वो चल रही है। ये पाकिस्तानी है, देख सकते हैं पाकिस्तानी पवेलियन। ये तो ये अभी हम बाहर आ चुके हैं, बाहर में सारे मुल्कों ने अपने अपने जहाज़ लगाए हुए हैं, आप बैठ के ट्राई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं कैसा होता है पायलट की सीट पे बैठना। तो देखते हैं, पाकिस्तान का जहाज़ है, बेसिक जहाज है जिस पे पायलट को स्टार्टिंग में ट्रेनिंग दी जाती है। फिर ये यूएसए का आ गया नया फाइटर जेट, फिर आगे सारे ऐसे हैं। ये देखें माशा, इसका पर का साइज देखें, हमने तो पहली बार इतने करीब से देखा है। अंदर भी बैठ सकते हैं लेकिन सब में लाइन लगी हुई है काफ़ी, तो लाइन के लिए फिर खड़ा हो, और गर्मी भी है थोड़ी बाहर। और ये वीआईपी सीटिंग है, और अभी शो शुरू होएगा। तो मेरे ख्याल में प्राइवेट जेट भी खड़े हैं, वो पीछे एमिरेट्स का खड़ा है, उस पर भी लंबी लाइन है। और ये डबल डेकर है एमिरेट्स का, यूएई स्पेस एजेंसी, मरीख पे जाएंगे एक दिन इंशाल्लाह, ज़मीन छोड़ देंगे। ये एमिरेट्स के छोटे भी खड़े हैं, और सब ये यूएई का फाइटर जहाज है। ये देखें, कुछ जहाज़ों पे नहीं बैठ सकते, कुछ कुछ पे एक्सपीरियंस करने के लिए बैठ सकते हैं। ये है, इस पे मिसाइल चेक करें कितने लगाए हुए हैं, हर तरह का मुझे लग रहा है मिसाइल इस पे लगाया हुआ है, नीचे भी रखे हुए हैं। माशाल्लाह लोग काफ़ी आए हुए हैं। ये देखें, अगर इसकी आप अंदर से ये बैठ के बनाना चाहते हैं, काफ़ी टेक्नोलॉजी लगाई है। ये देखें जंगी जहाज, अब ये शो ऑफ के लिए रह गए मेरे ख्याल में, क्योंकि जो आखिरी जंग होनी है ना वो इनकी नहीं होनी, जहाज़ों से हथियारों से नहीं होनी, वो बस तलवार से जैसे पहले होती थी वैसे ही होनी है। ये वीआईपी सेटिंग है, एयर शो जी, अभी ट्रक इधर आके बैठेंगे। यूएई के जो बड़े बड़े शेख होंगे, वो पीछे यूएई एयरफोर्स का खड़ा है बड़ा जहाज, पैसा लगाओ दिखाओ बात खत्म। ज़्यादातर पे यूएई का लगा है भाई जान, अबू धाबी पुलिस, ये हेलीकॉप्टर उसमें भी खड़े किए हुए हैं, एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर अबू धाबी पुलिस का। यूएई एयरफोर्स यूएस में
एम्बुलेंस सर्विस तो बेस्ट है इन द वर्ल्ड। माशाल्लाह यूएई ने मिसाइल बनाया हुआ, एक एज मिसाइल। ये कौन सा है? ये भी रेस्क्यू का है। ये देखें यहाँ तक, अभी इतना ही, दूसरी साइड पे भी है, वहाँ पे भी जाएंगे। ये गोलियां, नीचे से गोलियां भी चलती हैं, क्लैशनकोव बम। क्या बात है। अबे सब बड़े बड़े आ गए हैं जहाज, पीछे तो छोटे से एम्बुलेंस और जेट और फाइटर। अरे इसका साइज अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो नज़र आ रहा है करीब जाके, ये भी लगाया हुआ है। ये चेक करें, ये जनरेटर से कुछ अंदर सफाई हो रही है, क्या हो रही है, आई डोंट नो, बट फोन आ गया। ये जो यूएई का एयरफोर्स जहाज है, पहली बार देख रहे हैं अंदर से इसको, ये पता लगे इतना बड़ा, माशाल्लाह इतना, ये फिल्मों में देखा है आज तक, और इतनी मशीनरी और इतनी टेक्नोलॉजी। ये इसका दरवाज़ा है, और एक कोई बंदा बीमार हो जाए उसको भी लटाया हुआ है, ऐसे उसे बंद करके सर ठीक करेंगे उसका। और इधर चेयरें भी रखी हुई हैं, और ये साइडों में भी है, फौजी बैठेंगे, जंप मारेंगे, हवा में उड़ेंगे। क्या बात है, क्या बात है, मज़ा आ गया पहली बार। और नाइस एक्सपीरियंस, ये पूरी सीटिंग बनाई हुई है, और ये भी एक है इसका ऊपर वायरिंग। यार क्या बात है, क्या बात, ये पूरा जहाज आएगा ऊपर जाने की लाइन लगी, अगर आपने ऊपर से देखा ना, मज़ा आ गया यार, वल्लाह नाइस एक्सपीरियंस। जहाज बाहर से देख लें, पूरा फौजी जहाज है, ये बहुत खड़े हैं उनके वहाँ पे, वो देखें लाइन भी बहुत है। अभी इधर जेट जहाज उतरे हैं शो करके, तो ये देखें वो, क्या बात है, ये नाइस एक्सपीरियंस हो गया, मजे का हो गया, गुड हो गया, और बहुत ही प्यारा हो गया। और अब ये लोग भाग रहे हैं क्योंकि ये देखें, ये फुल है इसका, ये देखें, मज़ा आया वल्लाह नाइस एक्सपीरियंस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग रनवे पे पहुंच चुके हैं, ये पूरा रनवे मखदूम एयरपोर्ट का माशाल्लाह से शो शुरू हो गया है। अभी जेट जहाज़ आएंगे, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जहाज़ हैं, वो भी उड़ेंगे, और यहाँ से कुछ जहाज़ आ रहे हैं करतब करने के लिए। अरे ये देखा, ये करेंगे अभी, ये चीज, ये घूम नहीं रहे, ये ओहो, उसने ऐसे टर्बो दबाया ना, भाग गया आगे। मुझे तो सूरज की वजह से नज़र नहीं आ रहा, व्यूअर आपको नज़र आ रहा हो तो मज़ा आएगा। ये हाँ
पाकिस्तानी जहाज हैं, हम समझे उधर से आएंगे, ये ऊपर से आ गए। 7 जहाज हैं, देख सकते हैं उड़ेंगे। ये चीज़ ये खला का चक्कर लगा के आ गया है, ये आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। जैसा सिखाया था वैसा ही कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी जहाज है, मेरे ख्याल में तो पेट्रोल ही सड़ गया बस इन्होंने। ये इत्तेहाद का डबल डेकर जहाज है, ओए हो, ये इंजन का साइज, इंजन और फिर उसके विंग। अभी अंदर जा और बहुत अच्छा है वो लाइन, माशाल्लाह बहुत लगी हुई है। अंदर जाने के लिए लाइन ही पे आ, इतनी लंबी है वो, देख ये देखें। जाने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, जाके देखते हैं। ये जरा दिल बनाएंगे, जो लग रहा था ये चीज, अंदर से कोई गुजरेगा ये। हाँ। क्या बात है, क्या बात है, कमाल करके, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये कुछ करेंगे, ये अब आएंगे मुंह पे, मुंह पे नहीं आ रहे, अब आएंगे ना यहाँ से घूमेंगे। ये चीज तुम्हें मैं कह रहा था, अब यहाँ तक लेके आए ना, इधर गए ये, क्या बात है ये। प्याज गुजरी
एयरलाइन है, इंजन का साइज, लोग इंजन के पास खड़े होकर भी वीडियो बना रहे हैं। ये हम नीचे से गुजर रहे हैं पहली बार। ये इससे पूछो कि जा सकते हैं, बंद किया हुआ है। ये इतिहास का अंदर जाना बंद कर दिया है। ये अच्छा शो ऑफ है, बस सही है। आओ अपने गवर्नमेंट लेवल पे ऑर्डर करो जहाज। ये कंपनी से काम है, ये इंडिविजुअल नहीं। वो छोटे खड़े, आओ अंदर बैठे। है तो फर्स्ट टाइम आया तो गुड, नाइस एक्सपीरियंस हो गया। जहाज़ों को इतने करीब से देखने मिल गया, बैठना हो गया। और अगर आपको शौक है तो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी मिल सकती है। क्या बात है, गोलियां रखी हुई हैं भाईजान, पूरी एक एक किलो की एक गोली लग रही है मेरे को। मिसाइल अंदर से भी व्यू है, बहुत ही तंग जगह है और स्विचेस इतने हैं और वो छोटा सा एक पंखा लगा हुआ है वो देखें उसके लिए। और पर माशाल्लाह एक आगे सीट है, एक पीछे सीट है और एक गोलियां रखी हुई हैं नीचे। एक एक किलो की एक गोली लग रही है। मिसाइल रखे हुए हैं ये देखें। ये आवाज़ आई है जहाज़ों की, ये चीज़। वो सिटिंग भी है अगर कोई जाके उधर बैठ के शो देखना चाहता है तो। और ये पूरे कंपनियों के VIP, वो एक ही जहाज़ आया है ये। अंदर चलते हैं फिर बाहर आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। और सवा तीन वैसे ही नमाज का टाइम हो जाना है। ये आ रहा है ना वो देखें। नहीं मैं तो मुश्किल बर्दाश्त कर लूंगा। ये देखें और माशाल्लाह ये एक इंजन नज़र आया है। वो ये क्या भाई यार इंजन नज़र है एक पर। और वो देखें ये अपना कर्तव्य करता रहेगा। हम पूरा राउंड लगा चुके हैं, पहले उधर गए थे। ये अनोक वालों का है। ये चीज़
यार थोड़े थोड़े देर बाद वीआईपी लॉन्च बनाए हुए हैं।